हाय गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल ठीक ठाक है, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है, जिसका टाइटल आपने वैसे आपको पता तो चल ही गया होगा हमारी वीडियो के टाइटल में। इस वीडियो का टाइटल है टॉप 5 बेस्ट पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हु डिड रिएक्शन वीडियो ऑन इंडिया। अच्छा, इसमें ये वीडियो हमने सेलेक्ट इसलिए किया है, एक तो ये अनिमेश रिएक्शंस के नाम से जो चैनल है उन्होंने, अनिमेश भाई ने हमें खुद सजेस्ट की थी ये वीडियो। दूसरा, जब उन्होंने सजेस्ट की तो हमने भी सोचा कि यार हम देखते हैं कि मतलब इंडियन यूट्यूबर्स या इंडियन ऑडियंस की नज़र में किस तरह के यूट्यूबर्स हैं, पाकिस्तानी रिएक्शन वाले यूट्यूबर्स को पसंद किया जाता है। तो हमने सोचा कि हम ये वीडियो देखते हैं, आपसे भी शेयर करते हैं, आपसे भी हम राय लेना चाहते हैं कि आपकी नज़र में ये जो 5 पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स हैं ये कैसे हैं, या इसके अलावा कोई और जो है आप सब समझते हैं कि वो बेहतर हैं। ठीक है, हम अपनी बात तो बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी बच्चे हैं, इस हिसाब से अभी तो हम नए नए इस लाइन में आए, तो हम अपने आप को ना बिल्कुल काउंट करेंगे और ना ये जसारत और हिम्मत करेंगे कि हम इस चीज़ में आए। ये सर मैं कहने का मकसद, मेरा मकसद आप लोगों ने डिसाइड करना है, क्योंकि आप ऑडियंस जो होती है वो सबसे बड़े जो जज करने वाले ऑडियंस होती है। ऑडियंस मेरे हिसाब से तो ऑडियंस ज़्यादा बेस्ट होती है, यानी जज करने के लिए कौन सा ज़्यादा बेहतर कर रहा है और किसके रिएक्शन ज़्यादा अच्छे हैं, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई चीज़ नहीं। तो बगैर किसी देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसके साथ साथ हमारी वीडियो के भी जो फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम अकाउंट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब किए बगैर मत जाना यार, थैंक यू। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल अनिमेश रिएक्शन, उम्मीद है आप सब खुश होंगे। फ्रेंड्स, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे आने वाले सारे वीडियो अपडेट्स तुरंत मिल जाए। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। दोस्तों, आज जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो एक बिल्कुल अलग तरह की वीडियो है। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि YouTube आज के वक्त में कमाई का एक बहुत ही आसान तरीका हो गया है, और YouTube में पैसा कमाने के लिए अगर आप अपना कोई वीडियो नहीं बना सकते बाद में रिएक्शन करते हैं नहीं, तो सबसे आसान तरीका है कि दूसरे की वीडियो को नोट कर लीजिए, उसके बाद वीडियो के बाद हम आप ये कहेंगे ये कौन सी बात हुई, उसमें तो कॉपीराइट आ जाएगा और YouTube चैनल भी डिलीट कर देगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर मैं रिएक्शन चैनल्स की बात कर रहा हूँ। आजकल पूरी दुनिया में YouTube इंडिया पे रिएक्शन चैनल बना रहे हैं। वो लोग ऐसा इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि इन्हें इंडिया से बहुत प्यार है या उन्हें इंडिया बहुत पसंद है, बल्कि इसलिए क्योंकि इंडिया में व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंडियंस के पास 199 रुपये का प्लान होता है जिसमें वो 28 दिन का अनलिमिटेड 4G डेटा इस्तेमाल करते हैं। खैर, आज मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान रिएक्शन चैनल की जो कि इंडिया पे वीडियो बनाते हैं। मैं आपको उनमें से बेस्ट 5 पाकिस्तान रिएक्टर्स की लिस्ट प्रोवाइड करूँगा। वैसे तो अभी बहुत सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल हैं जो इंडिया पे रिएक्ट करते हैं, मगर मैंने उनमें से बेस्ट 5 को लिया। इसमें मैंने कई फैक्टर्स पे पॉइंट्स दिए, जैसे कि वीडियो की समझ, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन स्किल्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट उनके रिएक्शन में कितनी सच्चाई है, वो कितनी ऑनेस्टी से रिएक्शन दे रहे हैं। और मैं लगभग सारे के सारे पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल देखता हूँ, चाहे उनके सब्सक्राइबर 5 हो या 5 लाख, इसलिए मुझे काफ़ी अच्छी समझ, और इसमें मैंने कोई पार्शियलिटी नहीं करी। मुझे जो बेस्ट 5 लगे वो मैं आप लोगों के सामने पेश करने जा रहा हूँ। बाकी हो सकता है कि आप लोगों को कोई और पसंद हो, जो भी होगा उसे कमेंट करके मुझे बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हूं, जहांगीर मेरे साथ, जहांगीर हमजा और आलमगीर, आप देख हमारे चैनल पाकिस्तान रिएक्ट्स। तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मजहब इस्लाम। तो आप जल्दी से आते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। मेरा नाम वजाहत है और मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी मस्त है, तो
हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू इंडी रिएक्शन। आज फुल कबड्डी आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम वीडियो देखेंगे वो है फेमस इंडियन डिशेस फ्रॉम वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका हमारे चैनल। कैसे आप सब मिल कितने बहुत ही बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, हैप्पी होंगे, फिट फाइन होंगे, खुशबाश होंगे अपने। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी रिक्वेस्ट जिनने हमसे की थी, सॉरी मैं उनका नाम भूल गई हूँ, बट ये कि काफी सारे लोगों ने काफी टाइम में ये वाली वीडियो की रिक्वेस्ट भेजी थी हम लोगों को। फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। ठीक भाई, आपका इसके बारे में क्या राय है? यार सबसे पहली चीज़ तो मैं इसमें एक छोटा सा एडिशन करना चाहूँगा अनिमेश भाई के लिए भी और इंडियन व्यूवर्स के लिए भी, वो ये कि वीडियो के शुरू में जब अनिमेश भाई ने इसमें ये बोला कि पाकिस्तान मतलब पूरी दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं वो इंडिया की वीडियोस पे रिएक्शन करते हैं, तो इसका क्या ये मतलब है कि उनको इंडिया से प्यार है? ऐसा नहीं है, उनको इंडिया से व्यूवरशिप मिलती है। अनिमेश भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट और सारी इंडियन ऑडियंस विद ड्यू रिस्पेक्ट, ये बात तो मानने वाली है, इससे कोई इनकार नहीं है कि हमें इंडिया से व्यूवरशिप मिलती है, इसमें कोई शक नहीं तो है। अच्छा दूसरी चीज़ जो है यार, बाकी पाकिस्तानियों का भी मुझे नहीं पता, अगर हम अपनी बात करें या एक जनरल परसेप्शन की बात करें तो पाकिस्तान और इंडिया की नेशंस ऐसी हैं कि मतलब अब जो जनरेशन चल रही है, मतलब हमारे बाप दादा थे वो तो चलो उनको पता था कि इंडिया में क्या होता था और पाकिस्तान में क्या रहने वाले लोग हैं, वो पार्टीशन के टाइम पे मतलब उसके बाद जो पहली दूसरी जनरेशन है उनको, लेकिन अब जो थर्ड फोर्थ जनरेशन आ रही है वो थोड़ी सी क्यूरियोसिटी वाली जनरेशन है। हमें भी क्यूरियोसिटी होती है कि यार इंडियन फूड्स कैसे होंगे, इंडियन स्ट्रीट्स कैसी होंगी, इंडियन लाइफस्टाइल कैसा है उनका, हमें जानने की यानी कि एक ख्वाहिश होती है। हाँ ख्वाहिश होती है पर्सनली, वाकई इसमें सच्चाई है। ये बात मैं थोड़ी सी अनिमेश भाई की क्या बोलते हैं इसको कि इससे मैं थोड़ा सा इत्तफाक नहीं करूँगा। हाँ जो उन्होंने दूसरी बात बोली कि इंडियन इंडिया से जो ट्रैफिक मिलता है, व्यूअरशिप मिलती है, मतलब 110% जो है, 110% वो बात बिल्कुल अपनी जगह सही है, मानने वाली है, जो ऑनेस्ट रिएक्शन है इस वीडियो के हवाले से। दूसरा जो उन्होंने उसके बाद 5 वीडियोस दिखाई, मेरा ख्याल है कि जाहिर सी बात है सबसे अच्छी जो चीज़ होती है वो वीडियो के शुरू में ही कि आप उसकी ओपनिंग कैसे करते हैं, उन्होंने इंट्रोडक्शन कैसे करवाते हैं। मुझे जो सबसे अच्छी वीडियो लगी उसमें जो एक चैनल था जिसमें वो दो लड़के बैठे हुए थे, मतलब दो वर्ड्स एक बंदा बोल रहा था, दो वर्ड्स एक बंदा था, तो इस तरह का जो ओपनिंग का प्लान है ये मेरा और कामरान का है। बट ये कि जो अब यहाँ पे क्योंकि पाकिस्तानी रिएक्शंस की बात आई है, मैं आपको एक फ्रेंक बात बताऊँ, वो ये कि हमने जब नया नया चैनल स्टार्ट किया तो मैं कैमरा कॉन्शियस नहीं था शुरू से, कैमरा फेस किया था, इससे पहले मैंने 2-3 और चैनल बनाए, उनको टाइम नहीं दे पाया, चला नहीं पाया, वो एक अलग बात है। बट ये कि हमारे कामरान भाई जो हैं वो इस चैनल पे जब से हम आए हैं पहली दफ़ा उन्होंने कैमरा फेस किया इस तरीके से, वरना आप यकीन नहीं मानेंगे मैं बता रहा हूँ आज ये बात कि ये इनकी पिक्चर भी अगर बनाने खड़े होते थे ना तो उसके लिए भी 10-10, 15-15 मिनट वेट करना पड़ता था कि कब अपना जो है ये हंसी रोकेंगे और पिक्चर बनेगी। और मेरी असल में देखा जाए तो काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, आप शुरू की भी देख सकते हैं। हाँ शुरू की क्या है, आप किसी भी वीडियो में जाके देखें ना, मेरी हंसी आपको शुरुआत में जरूर नजर आ। बिल्कुल, मैं एक नेचर होता है ना, एक होता है अगर बिल्कुल नेचर बना के यानी फेस यानी कि गुस्से वाला नहीं होता जैसे उसको हम खड़ा था। एक होता है एक प्रॉब्लम ये आती थी, मैं आपको अब ये चीज़ भी आज यहाँ पे डिस्क्लोज कर रहा हूँ, एक प्रॉब्लम ये आती थी कि असल में हम दोनों रिएक्शन करते हैं वीडियोस को जो है वो मोस्टली मैं एडिट कर रहा होता हूँ, कामरान भाई मेरी हेल्प करते हैं बीच बीच में, बट मोस्टली मैं एडिट कर रहा होता हूँ। अब जब हम स्टार्टिंग में वीडियो बना रहे होते थे तो जब मैं वीडियो एडिट कर रहा होता था ना तो जो पहला ही सीन होता था, मतलब पहले सेकंड का ही सीन होता था, मुझसे वो पार्ट एडिट ही नहीं होता था, क्योंकि जब मैं हेलो गाइस या हाय गाइस कह रहा होता था उस टाइम पे कामरान भाई मुस्कुरा रहे होते, तो उनका फेस कहीं पे भी उनके दोनों लिप्स जो है ना वो मिले। आज भी गाइस आज भी ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि ये देख नहीं, मेरी तरफ नहीं देख रहे थे, ये जाके जब एडिट करेंगे तब
आपके मुझे बहुत, क्योंकि हम दोनों का फेस कैमरे की तरफ होता है, मैं कामरान भाई की तरफ तो देख नहीं सकता। अब ये है कि मैं इस तरह कैमरे की तरफ देख रहा होता हूँ और मैं अंदाजा लगा रहा होता हूँ कि हाँ कामरान अब खामोश है, अब इसके इसका मुंह बंद है, मैं अंदाजा लगा रहा होता हूँ, तो मैं अंदाजे से वीडियो स्टार्ट करता हूँ। फिर जब मैं एडिट करने बैठता हूँ तो मोस्टली यही होता है कि ये असल में मुझसे जो ना सीरियस जो था ना रहा नहीं था, मैं सीरियस बंदा हूँ नहीं, हंसमुख बंदा, हाँ मैं सीरियस नहीं हूँ, कि मैं सीरियस एक चीज़ एक तो लाइफ में सीरियस होना और एक चीज़ होती है कि आप ऐसी बातचीत में या इसमें सीरियस रहें। तो मैं ज़्यादातर कोशिश होती है, मैं जहाँ हम लोग जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे चीज़ होते हैं, हम हंसते रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि सीरियस रहने से कुछ नहीं कहना फ़ायदा नहीं है। ये है कि बंदा थोड़ा सा हंसी मजाक वगैरह चलता रहता है हमारे डिपार्टमेंट में, हाँ ऐसा ही है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी बातें थी या इससे ज्यादा अगर आपने कुछ शेयर करना है, हमने तो बस यही करना है, हम मजीद हम भी अपने जितना हमारा वर्क है हम अपनी कोशिश पूरी करें, लेकिन ये है कि जो बेस्ट अपना दे सके, जो हमारी कोशिश है वो ऑब्वियसली कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स या हमारे व्यूअर्स हमें शुरू से देख रहे होंगे उनको थोड़ा सा इस चीज में इम्प्रूवमेंट नजर आया होगा, इस पर हम मजीद वर्किंग भी कर रहे हैं। हमें पता है हमारा जो है वो वॉइस क्वालिटी थोड़ी ठीक नहीं है बीच में जो है, नहीं अब तो मैं सॉरी आपको बात कर रहा हूँ, अब तो हमारी बहुत अच्छी वॉइस क्वालिटी हो गई, हाँ, शुरू की जो शुरू की वीडियो से अब जो हमारा वॉइस क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, वीडियो क्वालिटी ना वो बहुत बेहतर हो चुकी है। आप खुद आप जाके हमारे पहली वीडियो भी देख सकते हैं और उसके बाद भी आप जाके देख सकते हैं। तो हम इस चीज को जो है वो और इम्प्रूव कर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, यार अब टाइम तो लगता है ना यार थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता, अभी तो 2 महीने हुए हैं खाली, लोग तो 2-2 साल से काम कर रहे हैं और उनके एडिटिंग स्किल्स और उनकी वॉइस और ये वो मतलब उससे हमें कंपेयर करना भी थोड़ा सा, हम तो मैंने वीडियो के शुरू में बता दिया कि भाई हम ना हम अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं और प्लीज आप भी हमें किसी से कंपेयर ना करें, हम अपने आप को किसी के मुकाबले में नहीं समझते। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा जो एनिमेश भाई ने हमें कही है कि हमें जो ना पाकिस्तान लोग इंडिया से प्यार नहीं, मैं इस चीज से थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ, देखें जो लोग होते हैं ना, जो जाहिर सी बात है जब पार्टीशन होती है बहुत सारे लोग पाकिस्तान में आ गए, पाकिस्तान से कुछ लोग इंडिया में चले गए, तो ऐसा नहीं है कि यार कि पाकिस्तान में जो कुछ लोग रहते हैं कि वो इंडिया से मोहब्बत नहीं करते हैं, या जो इंडिया में रहते हैं वो पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं करते हैं, जो दिल होता है ना वो हमेशा जुड़ा रहता है। ये हुकूमतें जो होती हैं ना इनसे तो हमारा कोई वो नहीं है, वो उनका अपना मसला है जो भी करते हैं, लेकिन जो अवामी दिल होता है ना लोग का, जो अवाम जो होती है जो आम लोग होते हैं उनका जो दिल होता है ना वो कहीं ना कहीं किसी न किसी हवाले से वो दिल ज़रूर धड़क रहा होता है। ऐसे एकदम कहना कि हमें कोई इंडिया से प्यार नहीं है ऐसा मैं तो नहीं समझता कि ऐसा नहीं है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी मेरे जहन में एक बात ये आ रही थी कि अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो के कमेंट में हमारी एक वीडियो के कमेंट में मेरे एक भाई से बात हो रही थी, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो वो पंजाब के बारे में कुछ बात कर रहे थे ना, शायद वो देख रहे हों तो मैं उनको याद करवाना चाहूँगा। तो उन्होंने कुछ बात की ना कि पंजाब के लोग थोड़े से ऐसे होते हैं कि वो आउट ऑफ कंट्री ज़्यादा जाते हैं, तो इस तरह करके ना बात हो रही थी, तो बातों बातों में बात कुछ इस तरह चली कि मैंने उन्हें बताया, और फिर उस बात को मैं इस बात से भी जोड़ना चाह रहा हूँ कि मैंने उनको बताया कि यार मेरे जो दादा परदादा थे वो इंडिया के शहर जालंधर से थे, अब वो गाँव का नाम मैं भूल गया, मेरी जब नानी जिंदा थी तो उन्होंने मुझे गाँव का नाम बताया था, तो जालंधर के एक गाँव से थे। अब देखें वही बात है कि प्यार मोहब्बत वाली बात यहाँ पे अपने आप आती है कि जब मेरे बाप दादा या हमारे बाप दादा वहाँ से थे, जो कामरान ने अभी बोला कि कई ऐसे ख़ानदान थे जो यहाँ से उठ के वहाँ गए वहाँ से उठ के यहाँ, तो मैं कभी उस जगह से या उस मुल्क से नफरत तो कभी भी नहीं कर सकता। यार सियासी बुनियादों को छोड़ो, सियासत तो धंधा ही ऐसा होता है कि दिखने में कुछ और होता है और बिकने में कुछ और होता है, तो मैं कभी भी उस पर्सपेक्टिव पे तो दोनों नेशंस को जज करता ही नहीं हूँ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव पे। तो खैर ये बात है, एनिमेश भाई ने जो बात की ना वो मेरे दिल को जो ना लगी नहीं, मैं चाहता हूँ नहीं, असल में देखे नहीं देखे ये देखे अब जैसे इंडिया में कितने बड़े बड़े स्टार हैं, क्रिकेटर्स हैं, और कितने पाकिस्तानी हैं जो उनसे मोहब्बत करते हैं एक हद तक, यानी कि चाहत होती है उनकी कि उनसे मिलना हो या बातचीत हो इस तरह, और कितने ही इंडियन हैं जो पाकिस्तानी जितने भी स्टार हैं उनकी यानी कि रिस्पेक्ट करते हैं। आइए आप देखें सिद्धू देख लें, वो पाकिस्तानी कितने रिस्पेक्ट करते हैं और हम पाकिस्तानी उसकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं, और दूसरा नहीं और दूसरा ये और दूसरा ये कि कपिल देव साहब हैं, हम खुद उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और लेजेंड हैं,
इंडिया के, सचिन तेंदुलकर हो गए, हम यकीन करें हम स्पोर्ट्स लवर हैं, हमारा दिल करता है, हम मोहब्बत होती है उनसे यार, इतने बड़े स्टार रह चुके हैं, इतने बड़े यानी खिलाड़ी, इतने बड़े इंसान हैं, तो हमारा दिल कैसे कहेगा कि हम पूरे मुल्क से नफरत करें? ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि पूरे उससे नफरत करें, लेकिन ये कुछ इख्तलाफात होते हैं जिससे बंदा थोड़ा सा चुप हो जाता है, कहता नहीं है। बाकी तो मैं क्या कहूँ, मेरे दिल की जो बात है ना, आज मैंने सारे कह दी गलती क्योंकि बहुत ही स्ट्रीम पे चलेगा ना, इसलिए मैंने थोड़ा नहीं नहीं वो मैं आपको, अब आप इतने फ्लो में बोल रहे थे तो मैंने आपको रोकना मुनासिब नहीं समझा, मैंने कहा यार बंदा उठ के मेरी ना दो लगा दे। मैं ये बात बोलना चाह रहा था कि वो अनिमेट भाई ने शुरू में ओवरऑल बात की थी, उन्होंने पाकिस्तानी व्यूवर्स को या पाकिस्तानी चैनल्स को नहीं एड्रेस नहीं किया था, उन्होंने ये बात की थी कि पूरी दुनिया में ज़्यादातर जो लोग हैं वो इंडिया के उस पर वीडियोज पर रिएक्ट करते हैं, तो थोड़ी सॉरी आपको करेक्शन करना, आप सुनिएगा दोबारा वीडियो, उसने पाकिस्तान का नाम लिया है जहाँ तक मैं समझता हूँ, पाकिस्तान चलो मैं एक बात देखिए, हमारा किसी और चीज़ पर डिसअपॉइंटिंग नहीं है, वो अपनी जगह पे ठीक होंगे, वो जो समझ रहे हैं वो कह रहे हैं, ठीक है ना, जो हमारा दिल है हमने वो कह दिया, बस मैं उससे ज़्यादा बात और तो नहीं कर सकता जितना कह रहा कर दिया। चले गाइस, बहरहाल अब ये तो ऐसी चीज़ है कि कुछ समझ से बाहर है कि इस पर जितनी बहस करे जाएंगे दिल ख़राब होने हैं, लड़ाइयाँ होनी हैं, झगड़े होने हैं, तो यार क्यों बंदा बहस करे और क्यों खाम खाम में जो है वो नफ़रतों के बीच बोए जाएँ। मेरी तो परसेप्शन भी यही है और मेरा जो है मतलब पॉइंट ऑफ व्यू यही है, सॉरी परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि नेगेटिव चीज़ों पे बहस से कुछ भी नहीं होता। खैर बहरहाल हम यहाँ पे वीडियो को रैप अप करेंगे और नेगेटिव से दुनिया बढ़ती है। हमें आपकी राय का इंतज़ार ज़रूर रहेगा कमेंट सेक्शन में, और इस बात के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे कि अगर आपको कोई बात बुरी लगी हो या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। हमारा कोई मकसद ऐसा नहीं था कि आपकी किसी फीलिंग को हर्ट किया जाए, किसी बात को जो है वो बुरा कहा जाए, और ना हम समझते हैं सब। तो इसी दुआ के साथ हम जो है आपसे इजाज़त चाहेंगे कि आप जो है खैरियत से रहें और अपनी हिफाजत करें, अभी जो हमारा मामला चल रहे हैं कोरोना वगैरह के। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।